मैंने कुछ क्वेश्चन दिए भाई ने कर लेना ठीक है, कम्प्लेक्स कह रहे थे ना ये सारे क्वेश्चन आई आई टी में आएगा, मैंने दिए हैं आसान से ना, फिर डिस्कस कर लेंगे। देखो एक आज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हिंदी में नाम सुना है किसी ने? सुना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या द्विघात समीकरण, इक्वेशन या द्विघात समीकरण है भाई, यही तो होता है। होती क्या, इससे पहले देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई कहाँ से होता गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता गया है आई कहाँ से है, ठीक है। इसके पहले है एक होता है रियल पॉलीनोमियल, रियल पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल क्या होता है भाई सुना तुमने? हाँ, टू या दो से भी जो टर्म्स होती हैं उसे क्या कहते हैं? पॉलीनोमियल कहते हैं। अगर मान लिया रियल पॉलीनोमियल क्या होगा, अगर लेट अगर ये नंबर हो ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री अब तो ए एन, अब क्या है सारे ये रियल नंबर है, क्या है ये तो उसका पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स का क्यूब अब टू ए एन एक्स की पावर एन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये इस तरह जो फंक्शन उस तरह के क्यों होगा, क्या होगा भाई ये क्या होगा रियल पोली, रियल पोली में मिलेगी क्या होनी चाहिए ए टू ए वन ए टू ए थ्री क्या होनी चाहिए रियल नंबर चाहिए। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू जैसे होता है टू प्लस सिक्स या फाइव, चलो फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर या एक्स का क्यूब इस तरह एट एक्स की पावर एन इस तरह का, ये रियल नंबर है नहीं आई बात में? अच्छा एक होता है कम्प्लेक्स पॉलीनोमियल, एक क्या होता है भाई कम्प्लेक्स पॉलीनोमियल क्या होगा वही उल्टा क्या होगा, कम्प्लेक्स पॉलीनोमियल में क्या कहेंगे लिखो क्या लिखेंगे, कम्प्लेक्स पॉलीनोमियल किसे कहेंगे, इफ लेट या इफ ए ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री आर क्या क्या होने चाहिए इमेजिनरी, देन एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ए वन ए टू एक्स इज इक्वल टू द क्या कहलाएगा ये कम्प्लेक्स पॉलीनोमियल, और उसके एग्जांपल भी लिख के दिखाओ क्या सा होगा, लिख के दिखाओ भाई कॉम्प्लेक्स पॉलीनोमियल का जो आई थी क्या होगा आइए लिख जाएगा बस इसमें शाबाश, हाँ आइए आइए ए आई आए बोले एक मुझे यहाँ हो भी ना एक मुझे ए नोट भी चेंज लगा है ना ज़्यादातर होना चाहिए आई सुनिए ठीक है, ये आ जाएगा देखो एफ इक्वल टू ए नोट प्लस आई एक्स प्लस टू आई ओट एक्स स्क्वायर टू आई थ्री एक्स क्यूब है इस तरह का आ जाएगा ठीक है ना, बोलो आगे बात सुनिए। अब है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या चीज होती है भाई,
degree of पॉलीनोमियल। अगर कोई इस तरह का फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स की पावर थ्री अब टू ए एन एक्स की पावर एन, इससे पहले क्या आएगा ए एन माइनस वन एक्स की पावर, इस तरह कोई पॉलीनोमियल है ठीक, ये तो समझ में आ गया पॉलीनोमियल है। इसकी जो डिग्री होगी कितनी होगी एन होगी, किसी डिग्री क्या होगी एन, कब होगी शर्त है जो एक्स की पावर एन का कोफिशियंट है वो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए ए एन इज इक्वल टू जीरो, ए एन इक्वल टू क्या होगा द डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल डिग्री कितनी होगी भाई कितनी होगी एन, इफ अगर इसकी डिग्री पॉलीनोमियल जो ये मैक्स यानी कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या आ गया, सीधी सीधी लैंग्वेज में करूँ सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तुम्हें, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलीनोमियल मैक्सिमम, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर कौन सी है एक्स पावर, देखो इनक्रीज मॉडल में एक्स पावर जीरो है वन टू थ्री फोर फाइव एन, तो मैक्सिमम पावर कितनी है एन, और शर्त में क्या होना चाहिए जिसकी मैक्सिमम पावर लें जो उसका कोफिशियंट है वो क्या होना चाहिए जो ये कोफिशियंट होता है मैक्सिमम पावर का इसे कहते हैं लीडिंग कोफिशियंट, क्या बोलते हैं इसको ए एन इज द लीडिंग, कहते हैं लीडर है कौन भाई इसका, कहते नहीं लीडर कौन है थारी टीम का ग्रुप का कौन है लीडर थारा भाई, तुम गंगाधर रहे हैं कौन है किसके लिए हैं, एक कहते नहीं वो फिलहाल पार्टी का लीडर है वाह भाई नेता बड़ा है, तो ए एन इज इक्वल टू द क्या कहता है लीडिंग कोफिशियंट, इस पॉलीनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कितनी होगी लिखते रहो जो भी बोलता हूँ सुनने आते हैं कितनी होगी एन, कब नॉट इक्वल टू जीरो, यह कहलाते हैं डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, यहाँ तक बात नहीं आ गई थोड़ी सी आई बात नहीं हो, क्या बताया मैंने पॉलीनोमियल बता दिया, पॉलीनोमियल कौन था रियल पॉलीनोमियल बताया कम्प्लेक्स पॉलीनोमियल बताया फिर डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, यहाँ तक बात नहीं आ गई अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अगर पॉलीनोमियल देखो बता रहे नहीं सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल, अगर किसी पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी हो सेकंड का मतलब अब सेकंड डिवीजन आई दो आई दो डंडे थे ये दो सेकंड डिवीजन है एक डंडा क्या हो फर्स्ट दो डंडे ये नहीं होते अब ये नहीं लिखते हैं कौन सी डिवीजन आई सेकंड आई, अगर एक सेकंड डिग्री का पॉलीनोमियल है इसे क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जैसे क्या एग्जांपल होगा इसका जैसे होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक, ये पॉलीनोमियल है, इस पॉलीनोमियल में अगर नंबर ऑफ टर्म्स हैं वन टू थ्री, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है लेकिन डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल जो मैक्सिमम पावर कितनी है टू और इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है ए, यहाँ तक बात समझ में आ गई, अगर भाई अगर अगर मान लिया क्या चीज़ हो थर्ड डिग्री हो पॉलीनोमियल हो कितना हुआ
अच्छा जी डिवीजन में अब से कम 15-20 साल पहले नंबर बहुत थोड़े आ गए थे, सुना भी होगा तुमने हैं, फर्स्ट डिवीजन ही बहुत कम आया करना थी, फेल भी ज़्यादा हुआ करते बच्चे हैं। अब बच्चे ऐसे हुए जिस बच्चे का हमें देखते हैं नाम नहीं लिखना आता या जिस पे प्लस माइनस ढंग से नहीं करना आता, मैथ में 80-80 नंबर ले आया वही बच्चा होगा ऐसे देखा हो है, जैसे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं हमारे पास तो बाधे बच्चों को देख के पढ़ा के लिए आ रहे हैं, कहते पैसे देना बात के लिए पढ़ना तो है नहीं आता भी कुछ नहीं बिना पढ़ा, मेरे बेटे को क्लास में पढ़ लिया आ रहे हैं ठीक नहीं है, लेकिन हम उसे देखे हैं मैथ मैथ 80-85-80 नंबर आ जाए उसके लिए, अगर जो बच्चे ढंग से बोर्ड पर सवाल नहीं कर रहा हो ऐसा ही नहीं है तो थोक के बहुत नंबर मिलते हैं, जहाँ तुम बैठे वो भी यहीं चेक होती हैं बोर्ड पर, हाँ यहीं होती हैं यहाँ ठीक नहीं है, इसी कमरे में भी है नीचे ऊपर सब जगह तो वहाँ भी थोक के बहुत नंबर मिले हैं ठीक नहीं है, पहले नंबर लाने क्या थे मुश्किल थे ठीक नहीं है, 60 GB 40 आ जाती बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, 60 को बहुत होशियार है और अब तो 80 से नीचे कोई काम पर बात करता ही है। चलो अब है ए 3rd degree क्या है, 3rd degree पॉलीनोमियल क्या कहते हैं भाई, क्या कहेंगे इसे बताओ, क्या कहेंगे नाम क्या होना चाहिए इसका, क्यूबिक क्यूबिक पॉलीनोमियल क्यूबिक पॉलीनोमियल। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, जैसे ए एक्स की पावर 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, ऐसा होना चाहिए नहीं, एक जगह कुछ भी आ सकता है 2x² + 3x² + 2x + 8 कुछ इस तरह की चीज़ आ सकते हैं, ए का मतलब वो ए बी सी डी नहीं है, वो ए का मतलब कोई भी नंबर रियल नंबर, बी का मतलब कोई भी ए बी सी डी क्या है रियल नंबर है, ये ए बी सी डी क्या है ये नंबर, यही तो आ गए ना ये। अच्छा अब 4 degree को क्या कहेंगे भाई, 4 degree का पॉलीनोमियल क्या कहेंगे भाई बता दे कोई, बायो क्वाड्रेटिक, बायो दो को नहीं कहते हैं, बायोलॉजी को भी कहेंगे बायो तो है नहीं, जो हमने नहीं लिए हैं बायो क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, जिसमें कितनी डिग्री हो, चार डिग्री हो तो क्या जाएगा बोल लो, ई मान लो चाहे एफ मान लो, यहाँ तो बात सुन लो ये, यानी कि अगर किसी भी पॉलीनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक और 4 है तो बायो क्वाड्रेटिक कहते हैं, अरे बात सुनो मान लिया कह रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, समझ में आ जाएगा कि इसकी डिग्री नंबर ऑफ कितनी है 2 है, एक क्वेश्चन दिया है उसने ये पॉलीनोमियल इज क्यूबिक, यानी इसकी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कितनी है 3, कहने की जरूरत तो नहीं है। चलो अब आगे बढ़े भाई, मान लीजिए इसका नाम अच्छा FX के लो, सबके नाम मान लीजिए FX है, UBFX है नाम रख दो, UBFX है कोई दिक्कत तो नहीं, नाम रखने की बात है, नाम तो चाहे चिंटू रख लो चाहे मिंटू रख लो है नहीं,
अब है पॉलीनोमियल इक्वेशन, क्या है अब पॉलीनोमियल इक्वेशन क्या होगा भाई? पावर की फॉर्म में तो ये भी थे इक्वल टू। पॉलीनोमियल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है भाई? उन्होंने भाई अगर तुम मैच देखते होंगे कमेंट्री सुनोगे भाई क्या इक्वेशन है जीतने की, कहते नहीं भाई इक्वेशन अभी ऐसे सुना होगा कमेंट्री कहते नहीं अब भाई 10 गेंदा 12 रन 20 गेंदा 40 नहीं इसके बराबर ही है, इसके एक के बराबर कुछ, इसके बराबर कुछ। अगर मान ले लेट एफ एक्स इज ए पॉलीनोमियल, लेट एफ एक्स इज ए कैसा पॉलीनोमियल हो, चाहे तो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, वही बात है लेट। इसलिए बस पॉलीनोमियल का मतलब दोनों समझ में आ गए, इसका मतलब अगर मैंने पॉलीनोमियल कहा ऑटोमेटिकली इसके अंदर दोनों इंक्लूड हो गए, क्या हो गए? जैसे मैंने कहा कि जैसे तुम्हें सारे बच्चे धरा जाओ तो उसके अंदर लड़के लड़के दोनों शामिल हो गए, इसी तरह ही है। लेट एफ एक्स इज ए पॉलीनोमियल, लेट एफ एक्स इज अ पॉलीनोमियल, एक एफ एक्स क्या है पॉलीनोमियल है सच दैट, इस तरह का सच दैट एस टी किस तरह का, अगर एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए उसके जीरो के बराबर कोई आ गई तो उसे कहते हैं देन एफ एक्स इज इक्वल टू द देन इफ सच टाइप इक्वेशन इज इक्वल टू द पॉलीनोमियल इक्वेशन। जैसे जैसे यही है देखो, मान लिया ये अगर यू है, ये देखो ये है इस टाइम तो है ये पॉलीनोमियल, इस टाइम क्या है ये और अगर ये लिख दिया मैंने, ये क्या है इसकी, ये है एन डिग्री का, द डिग्री एन डिग्री पॉलीनोमियल, ये है एन डिग्री पॉलीनोमियल, बस एन डिग्री इक्वेशन, ये पॉलीनोमियल में पढ़ा नहीं चल रहा क्या है एन डिग्री, समझ में आ गया। अगर रूट ऑफ इक्वेशन, रूट रूट ऑफ इक्वेशन या फैक्ट इक्वल है रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन लेट, अगर मान लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है जीरो इज अ इज एन इक्वेशन, मान लिया कोई एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये वाली कोई क्या है ये इक्वेशन है, एक कोई रूट इसका अल्फा है, मान लिया इसका एक रूट क्या है इसका अल्फा, मान लिया लेट अल्फा इज द रूट, अल्फा इज द जो अल्फा की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ एक्स की जगह क्या रख दूँ अल्फा की वैल्यू और जीरो क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा तो क्या कहलाएगा वो, देन अल्फा विल बी कॉल टू इक्वेशन ऑफ द रूट, इक्वेशन ऑफ द देन अल्फा विल बी इक्वेशन ऑफ बात नहीं है पुराने चाहिए
रूट ऑफ ये इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन देखो भाई, मान लिया ये इक्वेशन है, अब इक्वेशन है ये पॉलीनोमियल है, x square minus 3x plus 2 equal to 1. अब मान लिया x equal to 1 है, ये fx है, fx equal to क्या है, fx की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन है भाई, fx की वैल्यू क्या है ये x square minus 3x plus 2. मैं कहता हूँ कि x equal to 1, जिस तो x equal to alpha था आया, fx equal to 1, यानी f1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यानी x की जगह क्या लिख दूं भाई, है तो 1 देख के क्या आ जाएगा बोल लो, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इनटू 1 प्लस 2, ये तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का 3 प्लस 2, 2 प्लस 3, 3 माइनस 3 कितना आ गया, तो f1 0 नहीं आ गया. यानी देखो यही तो मैं कहना चाह रहा था, अगर कोई fx इक्वल टू 0 तो एक गिवन इक्वेशन है, x इक्वल टू 1 पर कोई इसका रूट होगा, x x equal to 1 रूट होगा, कब रूट होगा, इफ f1 यानी f alpha यानी f1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ नहीं गई, तो 1 इसका रूट होगा, तो ये ही होता ना चाहिए भाई, आई दिक्कत नहीं, ये पहले ही पढ़ा होगा तुमने टाइम तो, मैं ये पढ़ा था लेकिन जो ये क्वेश्चन है ना आपने दी, हां मतलब ये इस तरह ये क्यों होता है ये नहीं पता था, ये तो होता है सीधा f इक्वल टू 2, ये रखोगा x बराबर 2 रखोगे भाई 2 आ गया तो 0 होगा, ये नहीं था, ये थ्योरम इस तरह रिजल्ट है, इसका कॉन्सेप्ट है इसका, क्या है कि कोई वैल्यू किसी फंक्शन में किसी की वैल्यू रखी गई 0 हो रहा तो उसका वो रूट होगा, जो ये बचता है इसको कहते हैं रिमाइंडर, जो बचता है क्या बोलते हैं रिमाइंडर विल बी 0, अगर यहाँ इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज नॉट देयर, समझ में आगे बैठा भाई, ओके अब लिखो सम सम रिजल्ट ऑफ एन रूट ऑफ एन इक्वेशन, सम रिजल्ट सम रिजल्ट ऑफ एन इक्वेशन, सम रिजल्ट ऑफ एन इक्वेशन, सम रिजल्ट ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ रूट ऑफ रूट, यह सम रिजल्ट ऑफ ए रूट ऑफ एन इक्वेशन कुछ ही कर रहे हैं, यानी कि इक्वेशन के जो रूट के उसके कुछ रिजल्ट हैं, अगर ये मतलब टेन से इलेवन तो तब चलेगा कई सवाल हो जाते हैं इस तरह, अब चलो भाई सीधा करो इसके फैक्टर करो और सीधा करो, है पहला पहले लिखो नंबर वन, एन इक्वेशन हैज एन रूट ऑफ डिग्री एन, क्या कहा, एन इक्वेशन हैज एन रूट ऑफ डिग्री एन, क्या मतलब समझे, यानी कि जितनी भी रूट जितनी भी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने क्या देगा, वो रूट देगा, जैसे जैसे तुमने ये इस तरह तुम सोल्व करते होंगे कभी, ये करे होंगे तुमने इसको सोल्व करा, बहुत करा होगा, छः के ऐसे फैक्टर है जिनका भाई फाइव हो टू और सीरियस या सिक्स और वन, सिक्स माइनस वन दोनों तरह से करो थे, हैं यही तो करो थे, इसके x की वैल्यू कितनी आ गई थी, मतलब एक आ गई थी दो तीन, यहाँ से कितनी आ गई, क्यों आई दो, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, इसकी डिग्री दो है इसलिए दो आ गई थी, आई नहीं बात नहीं,
अब तो पता लग गया, पहले बस दो ही पता था, दो ही नहीं आते, दो बस दो ही आंसर आ रहे हैं। अब तो आगे समझो, अब देखो मैंने कल ही बताई थी, कल मैंने इसकी वैल्यू कितनी निकाल ली थी भाई, यूनिट रोड ऑफ वन की वैल्यू कितनी निकाल ली थी मैंने, तीन। क्यों निकाल ली थी? हाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तीन है, तीन। कौन कौन सी वैल्यू निकाल ली थी मैंने? वन, ओमेगा और यू निकली तीन। ये मैंने यूँ लिखाया भाई, जो वहाँ पहले पॉइंट क्या लिखवाया मैंने कि कोई भी पोली इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी, जितनी क्या होगी, उतनी उसके रूट। आगे दिक्कत तो नहीं? आगे समझो कॉन्सेप्ट नंबर दो। नंबर दो क्या है? सर्ड्स एंड इमेजिनरी, क्या कहा भाई? सर्ड, HURD, सर्ड एंड इमेजिनरी, सर्ड एंड इमेजिनरी रूट्स आर इन पेयर, सर्ड एंड इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज रूट All will occur in, लिखते हो root, all will occur in pair, in pair का मतलब देखो भाई, सर्ड्स एंड इमेजिनरी। सर्ड हो क्या चाहिए, इमेजिनरी हो क्या चाहिए, इमेजिन तो समझ गए, अब तो पक्का हो गया। मैंने तो ख्वाब में भी कोई अगर उठा बता देंगे इमेजिनरी अकाई लगा हुआ, ये सर्ड क्या हो। जैसे पहले इमेजिनरी बता दो, अगर मान लिया एक रूट है, एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसी भी इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन का एक रूट क्या है, इमेजिनरी टू प्लस, तो इसका जोड़ा भी होगा। यूँ कह रहा कि ये अकर होते हैं, यानी सर्ड्स एंड इमेजिनरी रूट जो है ऑलवेज अकर, अकर मैंने होते हैं, क्या होते हैं, इन पेयर, पेयर का मतलब जोड़े में। अगर एक रूट टू प्लस थ्री आई हो तो दूसरी का जोड़ा क्या होगा भाई, हाँ इसका जोड़ा जोड़ इमेजिनरी होगा जोड़ा, तो सीधी बात है भाई, अपने का अपने जैसा भाई होगा भाई। अगर हम गरीब हैं, एक एक कानून है दुनिया का, क्या जो साइकिल वाला हो उसके रिश्तेदार ज्यादा साइकिल वाले हों, और बाइक वालों के रिश्तेदार कैसे हों सारे, और कार वालों कैसे हों ज्यादा, ऐसा ही नहीं होता, ऐसा ही तो होता है ये कुछ है भाई। एक आधे को हो गई मान लिया कार वाले का भाई याद, मान एक आधा ही तो होगा साइकिल, मोटरसाइकिल वाले का एक आधा होगा कार वाला, जैसे मान लिया मामा मामा को हो गई कार, लेकिन क्या तरह तुम्हारे जो रिश्तेदार होंगे कैसे होंगे, बाइक वाले होंगे, ऐसा ही नहीं होता। तो अगर मान लिया इसका भी जब इमेजिनरी है, तो सीधी बात है इसका पेयर भी इमेजिनरी होगा, क्या होगा उसका इमेजिनरी पेयर, बस शाबाश यही देखे बिल्कुल सही कहा, जैसे ये तो इमेजिनरी होगा बिल्कुल सीधी बात। आगे समझ बैठे, ये सड क्या होगा भाई, ये सड क्या होता है, वो नंबर जिसका रूट ना ले लिया जाए, क्या लिया जाए, स्क्वायर रूट ना लिया जाए, और स्क्वायर रूट अगर ले भी जाए तो नंबर कैसा होता है, वो इरेशनल। जैसे 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 क्या नंबर होता है, जैसे जैसे रूट टू, जैसे और रूट थ्री, रूट फाइव। अब ये सड़े नंबर समझ में आ गए, अगर कहीं लिखा देख ले सड़े नंबर, तो अब तुमने समझ दिमाग चढ़ जा गई थी। तो ये अगर मान ले रूट टू का क्या होगा, पेयर क्या होगा, यहाँ माइनस रूट टू, रूट थ्री का, रूट फाइव का, तो यही बता रहा सड एंड इमेजिनरी रूट ऑलवेज अकर इन पेयर। समझ में आ गया भाई, लिखना चाहो लिख लो, ये नंबर से कभी भूल जाओ कि भाई वो तो अब तो पता भी लग गया, फिर आगे ढूंढते भी लो हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, लिख लिया भाई आगे बढ़े। ये समझवा के दो कॉन्सेप्ट पहले पता थे, इस्तेमाल तो करो जो होते, लेकिन पता नहीं था हो क्या चाह रहे हैं, चलिए हैं।
थर्ड पॉइंट एन ओड डिग्री इक्वेशन है, एन ओड डिग्री इक्वेशन ओड ओड नहीं ओड इवन और ओड 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 की जगह है भाई, एक तो इवन, इवन क्या होता है और ओड विषम वही वाला ओड, एन ओड डिग्री, एन ओड डिग्री इक्वेशन है एट लीस्ट वन रियल रूट वेयर साइन ऑफ साइन इज अपोजिट लास्ट टर्म, वेयर इज साइन इज साइन एस आई साइन कहते हैं सिग्नेचर वो प्लस माइनस वाला, वेयर साइन इज अपोजिट ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द लास्ट टर्म, यानी अगर कोई और डिग्री की क्या है इक्वेशन है यदि एक्स की पावर थ्री प्लस थ्री एक्स क्या प्लस फाइव है तो उसका कम से कम एक रूट कैसा होगा भाई रियल, याद वो तो बता बेटे लास्ट टाइम उसका माइनस का वो होना चाहिए साइन चेंज होना चाहिए उसका, जैसा रियल होगा उसको उल्टा हो जाएगा साइन चेंज, तो मतलब तुम्हारे मोटा मोटा मोटी चैन नीचे वाली लाइन काट ही देते तुम्हें मोटा मोटा क्या रखना है कि अगर कोई और डिग्री की इक्वेशन है तो उसमें कितना कम से कम कितने रियल रूट होंगे, हाँ तू लिखवा दो बेटे भी लिखवा दो है ये लाइन कितने होंगे इसमें देखो पढ़ो क्या लिखवाया मैंने बोलो हाँ वन रियल रूट होगा भाई ये तो लिखा है मैंने, वो बाद वाले मैंने कहा था बाद वाले पर ध्यान नहीं दी ये दूर ध्यान दिए जो बाद अगर कोई और डिग्री की क्वेश्चन है तो कितने होंगे फिर रूल एट लीस्ट कम से कम एक तीन भी दो तीनों भी हो सके हैं एक तो अब आगे बढ़ो चौथा नंबर एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री क्या है एवरी इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री ऑफ इवन इवन डिग्री हैज एट लीस्ट क्या कहा भाई क्या है भाई लिख दे देख क्या लिखे क्या कहा भाई मैंने एवरी इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री टू रियल एट लीस्ट एट लीस्ट टू इवन दो से बड़ी पावर होगी नहीं देखो जैसे नीचे का तो तार लिया सब कुछ है जैसे जैसे ये है नीचे जैसे हम ये देखते हैं भैया इसको सर मान ले एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस प्लस फोर ये इवन डिग्री का है तो इसमें कितने रूट होंगे भाई एटलीस्ट दो तो होंगे अगर मान ले हैं चार हो जाता फिर कम से कम दो तो होंगे एटलीस्ट इसलिए ताओ जैसे इसमें तो चलो यही होंगे अगर यही करने लग जाऊँ लो इसमें कितने होंगे कम से कम दो तो रियल होंगे ही कम से कम दो तो अच्छे के रूट या अरे दो से ज़्यादा भी हो सके हैं करके दिखाओ उसके रूट देख एग्जांपल देखो जो इसका देखो भाई क्या है एक्स की पावर फोर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है भाई यहाँ से बात में आगी इसको कर लूँगा एक्स का स्क्वायर कोई दिक्कत तो नहीं कर सकूँ माइनस वन इज इक्वल टू अच्छा इस अच्छा इसमें कितने रूट होंगे भाई इसमें दो बेचारे दो गए दो ही रहेंगे एटलीस्ट का तो इसमें एटलीस्ट लिखा मुझे तो गरीब आदमी दो ही हैं दो ही रहेंगे तो है नहीं इसमें लिखा एटलीस्ट हाँ कि चार हो सके अब कम से कम दो रुपये तो हैं ही हमारे पास अच्छी सब बेचारे भाई एक रुपये कम से कम एक रुपया तो हमारे पास है नहीं एक तो एक ही है
तो इसमें तो दो ही रहेंगे, इसमें होंगे एटलीस्ट, यहाँ बढ़िया रहेगा लगा पे भी है। अच्छा ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस के, एक बार जोड़ दे एक बार घटा दे, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी है, दो चीज़ों के प्रोडक्ट जीरो है, या तो ये जीरो या ये जीरो। इफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर कितना आ गया भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, दो रियल नोट यहाँ आ गए। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इफ या तो ये जीरो हो सके भाई, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वन, वही है तो भाई साहब फिर फंस गए वही आयोटा स्क्वायर, अरे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो दो कितने भी ये लूट हैं इसमें, इसमें भी दो ही, और इसमें कितने होंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन में भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू कितने आ गए प्लस माइनस, इसमें भी दो ही हैं, है तो इसमें चार रूट ही हैं, लेकिन रियल रूट की बात कर रहा, रियल रूट कितने हैं, इसमें चार रूट में दो तो रियल है दो इमेजिनरी, इसमें दोनों क्या हैं, यही बता रहा कि ये कि अगर इवन डिग्री का पॉलीनोमियल है उसमें एटलीस्ट कम से कम कितने होंगे, वो दो ही क्यों होंगे, बताऊँ दो ही क्यों होंगे, क्योंकि जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर कितना होता है, एक होता है इवन नंबर, दो होता है, जब जब इवन पावर ही दो है तो रूट भी दो, मैंने कहा जितनी पावर होगी इतने रूट होंगे, इसलिए एटलीस्ट दो, इसलिए एटलीस्ट लगाया मैंने। आगे कॉन्सेप्ट इधर खूब अच्छे से बोलो, आगे सर आगे तीनों आगे आगे भाई तीनों, अब चलो लिखो इफ एन इक्वेशन इज पॉजिटिव टर्म, इफ एन इक्वेशन इज, इफ एन इक्वेशन इज पॉजिटिव टर्म एंड इक्वेशन हैव, एंड इक्वेशन हैव नो, एंड इक्वेशन हैव नो ओड पावर ऑफ एक्स, ओड पावर ऑफ एक्स, देन ऑल रूट, ऑल रूट ऑफ द इक्वेशन, देन ऑल रूट ऑफ द इक्वेशन आर, then all root of the equation are complex. आगे बेटे ये क्या कहना चाह रहा है, क्या क्या कहा इसमें, क्या कहना चाह रहा है ये बोलो, अगर इसकी कोई भी टर्म पॉजिटिव है ना, किसकी इक्वेशन की, कौन सी इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कह रहा है, क्वाड्रेटिक कहीं भी ना आया बेटे, ओड पावर, जिसकी जिसकी पावर ओड होगी, पढ़ो इफ ऑल क्या है बेटे, पढ़ो क्या लिखा है, इफ इफ एन इक्वेशन, नहीं इफ एन इक्वेशन हैव ऑल पॉजिटिव पावर, हाँ यानी सारी पॉजिटिव टर्म है, सारी क्या है जिससे ये माइनस का था नहीं, यहाँ माइनस नहीं है, सारी कैसी है पॉजिटिव, और साथ में क्या है बेटे, पावर ओड, पावर क्या है ओड, सारी पावर कैसी होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए, सारी नहीं सारी द इक्वेशन हैव नो ओड पावर, नो कहा था मैंने, क्या लिखा था, है नो लिखा था ना, नो नहीं लिखा, तुम हैव नो, अब तुम सीधा ही कर दिया बिल्कुल, मतलब ओड पावर कैसी होनी चाहिए इसके अंदर, ओड नहीं होनी चाहिए, सारी कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, फिर क्या आ गया, रूट कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, आई बात नहीं समझ में आ गया, जैसे एग्जांपल क्या होगा भाई इसका इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस वन ही है,
शाबाश, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, 100% बिल्कुल सही है भाई। लेकिन यार मैंने शर्त लगाई थी कि एक तो इक्वेशन हो, चलो इक्वेशन तो है, सारे टर्म पॉजिटिव हैं, ये भी सही है, लेकिन दूसरी फिर एक और शर्त लिखवा रहा है, नो पावर, पावर इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर जीरो, जीरो ओड हो इवन हो भाई, क्या अकेले काम करें, अच्छा बताओ जीरो ओड हो भाई, यही बताओ, अच्छा दो दिन सीधी ही बात है, जीरो जो है इवन हो, कन्फर्म किया, जब तुम कन्फर्म नहीं फिर इक्वेशन ही कहाँ से कन्फर्म हो जाएगा, मतलब वाला सारे इवन होने चाहिए, कहा नहीं था तुमने ये कहा कि मुझे ये भी यूँ हो, ये एक्स की पावर टू पहले एक्स पावर जीरो लिख सकूँ, इसे कोई दिक्कत तो नहीं, लिख सकूँ, मैंने ये तो इवन है इसमें तो कोई शक नहीं है, जैसे टांग जूफर खेल रहे हैं, इवन को क्या कहते हैं, जूफर खेल ले गाँव में कभी गोले कंचे से खेल रहे हैं, और फिर ओडो क्या कहते हैं टांग, अब एक तीन पाँच सात अगर यह कहते हैं ए नंबर विच इज डिवाइडेड बाई टू परफेक्टली डिवाइड इज कॉल्ड टू द इवन अदरवाइज ओड, तो ये जीरो जो है इवन है ओड है, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने कहा था एग्जाम्पल, बिल्कुल सही कहा मैंने, बता देता मैंने जान ही बताया था कि बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, जीरो भी इसका मतलब कैसे नंबर है, जीरो भी कैसे है, इट मीन्स जीरो इज इवन भाई, जीरो इज इवन नंबर, जीरो ही इवन क्यों है, ओड क्यों नहीं आए, मैं तो ये तो ओड है भाई, ये कह रहे हैं हाँ जी, क्या कह रहे हैं, इसे जिसे बना जाए वो इवन होगा, ना ना देखो भाई, देखो भाई एक तो इवन हो, एक क्या हो, इवन, एक क्या हो ओड, अगर कहीं इवन नंबर, इवन ओड नंबर मानता हूँ मैं, तो इस फॉर्म में होता है इवन नंबर, टू एन प्लस इस फॉर्म में नहीं होता, और इवन इवन किस फॉर्म, इवन किस शक्ल में हो, टू एन शाबा देखो, अब एन इक्वल टू जीरो रखो, यहाँ क्या जाएगा, टू मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू, और यहाँ टू की वैल्यू क्या रखो, वन, नहीं टू की वैल्यू जीरो रखो, यहाँ क्या जाएगा, वन भाई जीरो पहले सुनो भाई, हाँ जी हाँ, अब बताओ तो जीरो, जीरो कहते हैं जीरो इस शक्ल से आया, इस शक्ल से आया, मैं एन इक्वल टू कम से कम जीरो ही ले सकूँ मैं, या जीरो से भी कोई और ले सकूँ कुछ और, भाई एन ने जीरो ही तो होंगे, तो बताओ इसमें क्या होगा, तो ये वाला एन इसमें आया, फिर किसमें आया, इवन, यो कैसे नंबर है, मैंने क्या बताई थी बेटे टर्म्स, क्या बताई थी, क्या क्या कंडीशन बताई थी, एक बार और, ओल्ड टर्म आर पॉजिटिव, और कहना चाहिए नो ओल्ड टर्म है तो नहीं, फिर क्या कहा था, इससे सारे रूट कम्प्लेक्स होंगे, इससे सारे रूट कम्प्लेक्स, अब तो बुढ़े हो गए थे करते करते, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ये है देख, इसका मतलब फिट होगी हमारी थ्योरम भी, ये चार अगर मान लिया इसमें आता है आई आई टी में, इसमें आएगा आई आई टी में, एक कोई इक्वेशन दे देगा, एक कोई इतनी तकड़ी सी दे देगा इक्वेशन, ये जैसे ये अब बताओ इसमें, बताओ इसके रूट कैसे होंगे, इसके रूट कैसे होंगे, कैसे होंगे इसके रूट, का रूट क्या होगा, इमेजिनरी, ऑल आर इमेजिनरी, ऑफ हाफ ऑफ इमेजिनरी, हाफ ऑफ कम, हाफ ऑफ रियल रूट, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल आर रियल रूट, कुछ भी दे देगा ऑप्शन बना के वो, तो इसे क्या करूँगा, तुमने कहा यार से तो हल किस तरह होगा, पहले नहीं बच्चे का हल, पहले तो हल करूँ, हल करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्या करूँ, डायरेक्ट देख के बता दूंगा खमीज के हैं भाई, बात नहीं ठीक है भाई, ये इसमें रूट की पहचानने की है, ये कि हम देखते हैं सारी इक्वेशन को विदाउट सॉल्विंग पता लगा सकते हैं कि क्या होगा इसमें, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बताना चाहो तो कुछ थोड़ा बहुत, अगर पावर ओड हुई है, पावर ओड, फिर हो जाएगा हमारा मामला,
करेंगे क्या करेंगे भाई फोल करेंगे अब आगे बढ़ते हैं भाई अच्छा यहाँ तो मज़ा आया थोड़ा बहुत कुछ नई चीज़ लगी पीस सीखने को मिली कुछ नई चीज़ जब तुम क्लास में कहीं भी इक्वेटरी क्वेश्चन करोगे तुम कहोगे यार तो बहुत आसान पढ़ा रहे हैं सर तो हैं क्योंकि सीधे सवाल भी रहे अभी हमने सवाल ही नहीं शुरू करे हैं सवाल देखो एक क्या है अब सवाल की तरफ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ लिया भाई हैं लिखो रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशेंट क्या है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशेंट रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशेंट रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशेंट रूट भी समझ में आ गया भाई कोफिशेंट कोफिशेंट से जानो जो भी डिग्री के साथ लिखा हो मान लीजिए टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ तो एक्स स्क्वायर कोफिशेंट क्या आ गया टू अगर ये हुआ थ्री एक्स स्क्वायर वाई वाई का कोफिशेंट क्या आ गया ये भी समझ में आ गया कोफिशेंट रूट भी पता है रिलेशन पता ही है ऑफ एन इक्वेशन ऑफ एन रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशेंट जैसे मान लिया देखो भाई एक यो की इक्वेशन है क्या एक यो कौन सी इक्वेशन है देखो ये लेट एफ एक्स इक्वल टू ए नोट ए वन एक्स प्लस प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स का क्यूब अप टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन ये बात ये क्या है ये क्या है क्या चीज़ है ये इक्वेशन अगर बराबर जीरो है ये है पॉलीनोमियल अगर बराबर जीरो इक्वेशन है इसके रूट रूट कितने होंगे इसमें भाई एन मान लेट देयर रूट लेट देयर रूट देयर कौन कौन से रूट हैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर अप टू ये रूट है ये ऐसी इक्वेशन है जैसे तीन एक्स स्क्वायर प्लस चार स्क्वायर प्लस इस तरह की तो है वो रूट इसके है तीन चार पाँच यहाँ तक बात नहीं आ गई अब निकालेंगे सम ऑफ रूट क्या निकालेंगे सम ऑफ रूट सम ऑफ रूट सम ऑफ रूट क्या होता है भाई सम ऑफ रूट कहते हैं एफ वन हमेशा एफ वन होगा क्या कहलाएगा ये एफ सम क्या आ जाएगा बोल लो अल्फा वन अल्फा थ्री अप टू अल्फा एन अप टू इक्वल टू माइनस ध्यान क्या आएगा यो याद बात नहीं आएगी भाई क्या आएगा कोफिशेंट ऑफ क्या क्या आना चाहिए भाई माइनस यार तो चुनमा ये ना तो माइनस आता है शून्य अच्छा चलो माइनस का तो पहले फॉर्मूला क्या आना चाहिए देखो कितने रूट हैं ध्यान रखना कितने रूट हैं एन से एक कम एन से एक कम क्या होगा कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस क्या कहा भाई कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस याद रहेगा भाई मैक्सिमम कितनी डिग्री है इसकी तो कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर याद रहेगा भाई बोलो क्या कहा मैंने बोलो क्या कहा बोलो सम ऑफ ऑल रूट इज इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर एन अब कॉमन कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर एन
याद बात नहीं आ रही ठीक। अब अगर मान लिया जैसे ये है एक इक्वेशन 2x² + 3x² + 4x + c = 0, इसमें कितने रूट होंगे भाई? तीन रूट मान लिया, कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा और तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा भैया, बोलो क्या आ जाएगा? माइनस क्या जाएगा बोलो, माइनस क्या जाएगा? देखो मैंने क्या बताया था, जितने रूट हों उससे एक उस कितने रूट कितनी मैक्सिमम है यहाँ, तो इससे कम कितने आ जाएगा? क्या लिखो है कोफिशेंट ऑफ x² / x² कितना है भाई? 3। और ये कितना है? 3 - 3/2 लिख लो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? या कुछ और दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ से सवाल कुछ कुछ आ रहा होगा थोड़ा सिनमा यार, आगे बढ़े। मैंने देखो क्या बता रहा था, मैंने एक यो इक्वेशन या पोलिनियो में जो भी समझना है ये है, इस तरह है इसके अगर ये मान लिया इक्वेशन है, ये क्या है, ये इक्वेशन है, इसके अगर रूट हैं ये, तो मुझे सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होगा भाई? नहीं ये तो रूट हो गए, ये तो रूट हो गए, चाहे सम ऑफ रूट कह तो दिया मैंने एक ही बात, क्या फॉर्मूला होगा? यहाँ तो बात नहीं आगे आगे बढ़े, फिर ये फॉर्मूला आ गया तो याद कर लें, बहुत काम हो गए। इतने तुम बुढ़े नहीं हो जाने, इतने पढ़ते रहोगे इधर जब भी ग्रिड कार्ड इरीगेशन आई है, ये दम दम लोगों जाओ। बात नहीं हो, देखो भाई हो गया, देखो भाई अगर मान लिया, फिर मैं ये कहता हूं ये सब कुछ सेम है, सब कुछ क्या है ये सेम है ये। अब मान लिया फिर ये है, ये इक्वेशन है कोई, इसके रूट ये हैं, तो एच टू क्या कहलाएगा? मान लिया एच टू रिप्रेजेंट, ये दो भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या? अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री अप टू एन अल्फा एन एल्फा, ये दो तीन दो, ये क्या फॉर्मूला हुआ? इक्वल टू, यहाँ से बात नहीं होगी, परेशानी तो नहीं, तो रटने की जरूरत नहीं है। मैंने दो के जितने भी रूट हैं दोनों की प्रोडक्ट दो की मान लिया, देखो जैसे मान लिया, अगर मान लिया देखो, अगर मान लिया तीन रूट हैं अल्फा बीटा और गामा, तो दो दो प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस क्या जाएगा? बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो ईओ इसके साथ याडी बनेगा, फिर ईओ इसका याडी बनेगा, फिर ईओ इसका याडी बनेगा,
ये दो दो रूट है। अगर मान ले दो ही रूट है अल्फा बीटा, फिर तो दिक्कत है नहीं, बस अल्फा बीटा पर खत्म हो जाएगी। बेचारे दो ही है, छोटा सा गरीब आदमी है, क्यों गरीब आदमी छोटा सा ब्याह कर लिया तेरा था, अरे अमीर आदमी ढेर बड़े मैदान में ब्याह कर भाई है। तो क्या जाएगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू क्या जाएगा नीचे, तो हमेशा हर एक के क्या आना है जो सबके साथ वही आना, क्या आना कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, इसमें माइनस वन की पावर एन माइनस टू की तरफ से जुड़ना होगा, क्योंकि दो ले लेना मैंने दो दो के लिए, ये फिर यहाँ है एन माइनस टू, और कोफिशिएंट ऑफ इससे जब मैं किला सम सम कराता तो कितनी पावर इस्तेमाल हो गई थी उसमें, एक्स की पावर एन माइनस वन नहीं थी, अब इसमें इससे पहली वाली क्या आ जाएगी एक्स की पावर एन माइनस टू, समझ में ये बात जी, समझ में देखो आ जाएगी, देखो एक भाई अगर मान लिया ये क्वेश्चन है, फिर वही देखो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स पावर थ्री, चलो चार एक्स पावर थ्री, चार एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस छः इक्वल टू जीरो, कितने रूट होंगे भाई इसमें, कौन कौन से हैं मान लिया नाम, ये तो तुमने मुझे बता दिया था भाई, सबने सब बताया अल्फा बीटा गामा क्या जाएगा माइनस, क्या कितना आएगा कितने कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन माइनस वन कितनी है माइनस फोर अपॉन, दिक्कत तो नहीं, कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर माइनस एन अपॉन एक्स की पावर एन है, इनमें तो गलती लिखी है चार चार, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं दो दो की मल्टीप्लाई कर दूं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा बराबर, नीचे तो क्या आना भाई एक्स की पावर एन आना, एक्स की पावर एन का मतलब कितना कोफिशेंट ऑफ फोर, ये तो फोर फोर आ गया ठीक। अब है कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस टू, एन माइनस टू क्या होगा भाई देखो ये कितनी पावर है यहाँ, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर कितनी है एन माइनस टू, एकदम वन वन है बेटे, कमी तो ही, ये कितनी होगी एक्स की पावर एन माइनस थ्री, ये कितनी है कोफिशिएंट एक्स की पावर कितनी है, ये एन नहीं है मैक्सिमम, ये कितनी है एक्स की पावर एन माइनस, ये कितनी है एक्स की पावर एन माइनस टू है बेटे, एक्स माइनस टू, एक कमी तो हो रही बेटे, ये जिस तरह मैं बताया था देखो ये है नेपोलियन होंगे, ये एन आएगा एन माइनस वन, इससे पहले क्या आएगी एकदम ये यही तो है बेटे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन माइनस टू कितना आएगा बोल लो, फाइव बात नहीं ठीक है, और माइनस क्या आएगा माइनस वन की पावर क्या होगा एन माइनस टू, एन माइनस ये आएगा, एन की वैल्यू कितनी है थ्री माइनस टू कितना है वन, मतलब माइनस की पावर वन हो कितना होगा तो माइनस फाइव बाई टू, माइनस फाइव बाई फोर, जी आगे तुम ये यहाँ नहीं भाई, वो जो मैंने प्रोडक्ट सम वाले बताया था ना यहाँ नहीं माइनस आने का, ये यहाँ वो माइनस वाले गलत बता दे, सोच वो मैं माइनस गलत बता रहे हो फॉर्म में क्या आएगा हैं, हाँ हाँ ये तो प्लस ही कर लिया भाई, क्या बता दियो क्या कर लेगा प्लस ही कर लेना कर लो भाई, फिर वो कर इसमें वैसे ही ऑनलाइन है कहेंगे यार यही नहीं आता इसमें क्या पढ़ा रहा होगा जी, गलती होगी ठीक है भाई, सोचिए कर लूँगा भाई, तो क्या होगा अब देखो भाई यहाँ तो बात नहीं आ गया एस वन के समय आ गया था एस टू भी आ गया था, ये ध्यान रख लेना पहले क्या आया था एस वन में प्लस का निशान एस टू में माइनस, अब एस थ्री, एस थ्री मतलब क्या होगा भाई एस थ्री क्या होना चाहिए बोलो, बस तीन तीन ही प्रोडक्ट एस वन में केला लिखा था, एस थ्री क्या हो सकता है भैया अगर ये हो सब घुटो दो दिक्कत तो नहीं, ये ताड़ बस ये फॉर्मूला सीधा यार ऊपर लिख दूंगा मैं, देखो भाई एस थ्री क्या जाएगा, एस थ्री क्या जाएगा इसका
अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस बोलो अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा अब आगे अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा फाइव अब यानी तीन तीन की यानी क्या आ गया ये तीन तीन की माइनस वन की पावर क्यूब आना है क्या जगह वन की पावर क्यूब माइनस वन की पावर क्यूब आना है और कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर कितना आ जाएगा यहाँ एक कम इससे भी कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस थ्री अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर वही नहीं आएगा अब सीरीज भी जुड़ी होगी अब सीरीज फीस की अब देखो करो भाई भाई मैं सही बताया था भाई वो माइनस ही आएगा क्या आएगा वो माइनस ही आएगा वो मैं ठीक बता रहा थी मैं बाहर बैग गया था सम ऑफ द रूट क्या आएगा भाई माइनस माइनस ही आएगा हमेशा दिमागबाजी बात है ना कनेक्शन कहीं कहीं जुड़ जाए कहीं वो ध्यान आ जाए ना देखो देखो भाई सवाल अब देखो मैं बताऊँ देखो क्या बात है इसमें रटने की जरूरत नहीं है इससे थोड़ी ये दिक्कत आ रही होगी है थोड़ा भारी हुआ होगा इससे हैं अरे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है कल देखो पहले मैं प्लस वाले में पहले मैं क्या आना फिर क्यों आ गए ये भी नहीं समझ आती बात ये तो बच्चे उतर कर ही सको किस तरह देख देख के बताऊँगा देख मैं जैसे मिटू तो भाई जैसे देखो जैसे क्या है भाई साहब एक काम करो आप देखो जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इसके कितने रूट होंगे भाई दो रूट के नाम रख रहे क्या नाम यानी सम ऑफ रूट क्या जाएगा बोलो क्या जाएगा बोलो माइनस सीधा लिखो या कुछ वो लिखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूरा बोल लो भाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना जाएगा पाँच अपॉन वन माइनस पाँच और इसमें क्या जाएगा अल्फा बीटा बस बस दो ही प्रोडक्ट है क्या जाएगा बोल लो छः अपॉन आगे बात में अगर यही ही हो जाता है चार एक्स की पावर थ्री प्लस टू एक्स की पावर थ्री टू इस टू की वजह से ना आ गया हो ये नहीं बोल रहा है नहीं लेकिन इस टू की वजह से टू ना आ गया हुआ है अगर ये होता इसके रूट कितने होंगे भाई तो कौन कौन से रूट होंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा बोल लो कितना हाँ माइनस माइनस थ्री अपॉन फोर अब दो दो ही गुना ये कितना जाएगा ये तो एस वन है एस वन नहीं था एस टू कितना जाएगा भाई अल्फा बीटा प्लस गामा डेल अल्फा ये कितना जाएगा बोल लो नाइन अपॉन देख ध्यान रख लिए माइनस प्लस फिर अब क्या क्या आएगा अल्फा बीटा गामा ये तीन तीन गुना से एस थ्री आ जाएगा ये एस थ्री आ जाएगा ये क्या जाएगा बोल लो क्या जाएगा हाँ दो माइनस आएंगे देखिए ये क्या चला देखो एक तो अपना माइनस फिफ्टीन रखा एक वाला फिफ्टीन जो सबके साथ है नियम से चल रहा तो फिफ्टीन अपॉन फोर क्या आएगा फिफ्टीन अपॉन बेटे ये बात नहीं मारेगा रूट निकालने को अब तो रूट का सम ऑफ का निकाल लेगा ये है रिलेशन है कहीं कहीं की रिलेशन है अगर कोई रिलेशन है उसके रूट दे रखे हैं तो हम उनका सम ऑफ रूट दोनों प्रोडक्ट और रूट सब कुछ निकाल सकते हैं पढ़ो ये बोल देखो आपकी सवाल पढ़ो भाई उतार लिया उतारने की कुछ नहीं है आ जाए तुम्हें लिखो क्वेश्चन लिखो
if the sum of two roots, if the sum of the if the sum of two root is zero, yeah, if the क्या करा if if the if the sum of root of the equation is zero, क्या लिखा क्या लिखा if the sum of two root is zero of the equation of the equation नहीं ले of the equation जो root zero के आगे लिखो बेटे जीरो के आगे लिखना क्या बोल रहा ये इक्वेशन लिखो एक्स की पावर थ्री माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो देन प्रूव दैट PQ is equal to R. Then prove that PQ is equal to R. क्या है भाई समझ में आया देखो देखो एक कोई इक्वेशन दी हुई है ये है भाई इसके जो सम ऑफ दो रूट का दब सम कितना है जीरो है तो ये बताना अगर है तो टू प्रूव सीध करो PQ is equal to R. समझ में आ गया इक्वेशन ये इक्वेशन है इक्वेशन कितने रूट होंगे मैक्सिमम भाई समा कौन कौन से होंगे मान लिया लेट अल्फा बीटा आर गामा रूट जिसके रूट है भाई है अगर इसके रूट हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई जीरो फॉर्मूले से बताओ भाई माइनस माइनस पी अपॉन वन ये ना ध्यान रखिए भाई हैं लेकिन एक कंडीशन दे रखी है इसने क्या दे रखी सम ऑफ टू रूट जीरो मान ले दो रूट कौन कौन से हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है क्यों है यो क्योंकि भाई साहब क्यों है ना मैं नहीं कह रहा इस सवाल ने पहले ही दी थी तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रख दो यहाँ से जीरो तो जीरो प्लस गामा इक्वल टू पी तो गामा इक्वल टू पी बोलो भाई गामा इक्वल टू क्या आ गया अच्छा अगर मान ले वही है एक्स इक्वल टू अल्फा इसका रूट आ गया इसका रूट नहीं आ गया हो तो यानी कि इसकी वैल्यू अगर इसकी वैल्यू पी रख दूंगा तो वही आएगा जो तुम्हें दिक्कत सुनिए नहीं अभी बताया था मैंने कल अभी बताया अगर एक्स इक्वल टू अल्फा इसका रूट हो तो इसका रूट रख के जीरो आएगा बताया ना साहब यही नहीं आगे देगी इसका एक्स बराबर अल्फा बताया था अभी मैंने पीछे तो गामा इक्वल टू पी है यानी ये इसका रूट है गामा गामा रूट नहीं है गामा की वैल्यू कितनी है तो पी की वैल्यू इसमें रख के रिमाइंडर कितना आएगा जूगत तो जीरो ही आएगा वो वहाँ रख देते हैं जीरो बस पता नहीं चलता पता कि बस रखते जाए बस एक बार जीरो रखना है देख में जीरो रखते चलते तो हैंस एफ पी की वैल्यू निकाल लूँ भाई यानी एक्स की वैल्यू क्या लिख दूँ अब तो क्या आएगा यहाँ से बोलो पी की घात तीन माइनस पी इंटू प्लस क्यू पी माइनस आर इक्वल टू यहाँ से बात सुनवा भाई दो तो रटने वाली बात हुई पी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी पी क्यूब माइनस पी और पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई क्या आ गई पी की थ्री प्लस पी क्यूब माइनस आर बराबर जीरो इससे क्या बचेगा पी क्यूब माइनस आर इक्वल टू जीरो तो पी क्यूब इक्वल टू जीरो आर जीरो प्लस आर देखिए आसान था मुश्किल सवाल था कोई नई बात तो नहीं बताई मैंने सब कुछ आया थी उतारना चाहो इसे सवाल है यदि देखो इफ एंड सीधे सीधा सवाल है ये कोई इक्वेशन है इसकी इक्वेशन के द सम ऑफ टू रूट कितने हैं जीरो है दे रखा तो प्रूव दैट पी क्यू इक्वल टू आर या फाइंड द व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड आर ये होगी पी क्यू इक्वल टू आर कुछ भी कह देगा है
बोलो भाई। एक आगे लिखो भाई, एक आगे क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड द कंडीशन दैट ऑफ द इक्वेशन फाइंड द कंडीशन दैट रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट इक्वेशन रूट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स पावर 3 माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो माइनस आर इज इक्वल टू जीरो आर इन एपी आर इन एपी क्या है AP. क्या कह रहा भाई, ये कोई इक्वेशन है भाई, ये कोई इक्वेशन के इफ के जो रूट हैं वो क्या है एपी का मतलब कली बता तुमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो समानता श्रेणी के हैं। अच्छा ये कैसी इक्वेशन है भाई, क्या नाम है इस इक्वेशन का, कितने रूट होंगे इसके अंदर के, तीन। तो तीन कौन से रूट मान लूँगा भाई मैं, ना ना भाई ना ना भाई ऐसा नहीं होता, देख अभी नहीं दे दिया भाई, देख क्या दे दिया ए पी में रूट अलग से गया है। ए पी जब तुम पढ़ोगे ना तुम्हारी किताब में होगी कहीं लिखी समानता श्रेणी है कहीं, तो उसमें एक एक बड़ा बड़ा दे रखा, अगर तीन रूट मानने ना भाई तो ये मानिए हमेशा वही कह लिख के साफ तौर पर, ना 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 यही ए माइनस डी छोटी आ गई ये कहेगा भाई ये मानिए सख्त मना कर वो यू मेरी तरह से रहेगा भाई, है नहीं जिस तरह मान लिया कोई कार बड़ी सी लेना है भाई वो पावर इस तरह कुछ मोबाइल के अलग अलग फंक्शन हो नहीं हर मोबाइल के, अगर इस तरह बात होगी होती नहीं हर मोबाइल की खास बात, इस मोबाइल जो ए पी के क्या खास बात है कि तुमने तीन टर्म कहा, तीन टर्म क्या क्या मान लू मैं, हाँ यानी एक रूट तो कितना होगा एक एक ए फर्स्ट टर्म और डी डिफरेंस, वो कल ही बताया था मैंने जोड़ के हैं थोड़ा सा याद हुआ, तो अब अभी इनका क्या सम ऑफ टर्म्स निकाल लूँ, सम ऑफ टर्म्स भी कहा था मैंने, अगर यूनिक कहा था तो एफ वन भी कहा था मैंने, एक ही नहीं बात है इसका क्या जाएगा बोल लो, a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या जाएगा बोल लो भाई, यहाँ से शाबाश यहाँ तो नहीं दिक्कत आई भाई है भाई, अब यहाँ से क्या जाएगा ये डी, ये डी है भाई साहब इनकी डी की दावत कर देंगे क्या जाएगा, थ्री ए इक्वल टू ए इक्वल टू क्या जाएगा है भाई, दिक्कत नहीं आई, यानी वही है अगर ए इसका रूट है इसकी वैल्यू थ्री है तो इसकी थ्री रख के वैल्यू क्या आना चाहिए जीरो, रिमाइंडर वही अगर मान लिया फैक्ट से आए हुए हैं
दिक्कत तो नहीं भाई? नहीं सर। अगर मान लिया एफ एक्स है, यू तो करता, यू तो करता आ रहा सबसे शुरू में, यू ने हमने महाभारत यू तो कर करी थी, हम पूरा घेर के चक्कर लगा के यूँ आए, नहीं लगा गए यानी तो पहले दिन पहली बार में तो पता ही था सीधे हो जाते, सवाल हो नहीं जाते, करे भी होंगे तुमने। अब भाई एक्स की वैल्यू तीन रख लिया आंसर आ जाएगा बस, ग्यारह में क्या कर रहे हैं। अब भाई इसमें एक्स की वैल्यू तीन रख लिया बस आंसर आ जाएगा भाई, यू नहीं बताते क्यों रखेंगे, क्योंकि इसकी जो है ये उसका क्या एफ की वैल्यू है, इसका रूट है तो रिमाइंडर कितना होगा, जीरो आएगा। तो एफ थ्री की वैल्यू कितना है बोलो, तीन की पावर तीन माइनस एफ थ्री बोलो कितना आएगा, ट्वेंटी नाइन, नाइन थ्री का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू थ्री माइनस आर इक्वल टू बोल लो सर, आगे था सर थ्री पावर थ्री वैल्यू कितनी होती है, और नाइन नाइन मल्टीप्लाई थ्री का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा ज़्यादा लगेगा आप तो सुनवा रहे हैं भाई, क्यू थ्री क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू 27 माइनस 28 कितना जगह क्या देगा, फिफ्टी फोर माइनस के 54 ये तो रिलेशन पूछ रहा था वो, उनका क्या रिश्तेदारी है उनके बीच पूछ के आ रहा था वो, भाई यही तो पूछ रहा था, ये तो मैं आगे यही पूछना था सुना, देखो उतार लूँगा तुम्हें कुछ अगर सुन लगता हो फिर आगे बढ़ेंगे बात। देखो क्या है, सच में एक बात हट के बताऊँ तुझे, देखो देखो क्या है, ये इक्वेशन थी यूँ कह रहा था इससे जो रूट है ए पी में है, क्या रिलेशन होगी यार, क्या कंडीशन हो सकती है, क्या होना चाहिए हैं। अब मुझे पता जब ए पी मैथ रूट ही माननी मेरी मजबूरी है, पी अल्फा बीटा का मानी मान एकदम बड़ा दूर रट रखा था हमने, ये सम ऑफ रूट निकाल दिया भाई मैंने, ये आ गया सम ऑफ रूट इसके ही है ए इक्वल टू नाइन, तो ए इसका रूट नहीं था, तो मतलब ए की वैल्यू थ्री है तो थ्री रख के रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, वैसे रख के सोल्व करो और डी हैं डी डी तो ख़त्म नहीं करता था, यहाँ डी की वैल्यू कुछ है ही नहीं, मैंने तो रूट रिलेशन ही तो निकालनी थी, रूट थोड़े निकालने थे मुझे, अगर मुझे रूट निकालनी फिर आगे लो तो वो भी करूँगा, एक सवाल देखो ठीक कह रहे तुम कि अगर रूट निकालते ना फिर इनके दो दो प्रोडक्ट गुना करता भी, वो भी सवाल है ठीक कह रहे तुम, वो अलग से हो गए हैं, एक और सवाल लेके करेंगे। भाई सवाल क्या लिखा था शुरू में, मैंने सवाल क्या लिखा था सुनो भाई, फाइंड द कंडीशन दैट रूट ऑफ द इक्वेशन आर इन केशन, उसकी कंडीशन निकालनी है कि रूट क्या होनी चाहिए ए पी में, अब के यो क्वेश्चन लिख दो जू के तुम बस योग में क्या लिखने है, एक्स पावर थ्री माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस
क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, ये भी जू से तुम्हें ये सवाल निकलेगा, घर से कर लाऊंगा भाई से, इसी कंडीशन निकलेगी, निकाल लेंगे ठीक है भाई, इतना ही ठीक आज के लिए, इतना ही भाई ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आया संजय भाई कुछ है, यस सर ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स ऑफ ऑल यू।